ये भयंकर है। गब्बर का रेयर टायर लेफ्ट हैंड साइड में हल्का बेंड है। ये हाथ का कंडीशन देखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। विदाउट अ सिंगल ड्रॉप इस कलाइयों से, इन कलाइयों से काम किया है। रात भर बारिश हुई है, इसका फेवरेट पोहा मिल गया इसको। सो टाइम टू क्लीन द चेन एंड लूप द चेन, बिकॉज हम लोग का ऑलमोस्ट 1900 किलोमीटर होगा मनाली टू मुंबई। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या टैंक बैग जो है आपकी नॉन मैग्नेटिक या मैग्नेटिक एज अ टेल बैग यूज़ कर सकते हो, तो नॉन मैग्नेटिक जो टेल बैग है वो इजीली कर सकते हो। तो लेट मी शो यू कि ये जो बेस है, ये बेस बेसिकली मैंने यहाँ पे लगाया था, तो जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज। अभी रिटर्न राइड है तो पीछे रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बेस ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, सेम लाइक दैट। ये स्ट्रैप फुटरेस्ट किया, कोई भी आपका एंकरिंग पॉइंट है उधर डालना है, एंड देन ये पीछे से लेना है एंड इसके ऊपर इंस्टॉल करना है। टैंक बैग एज अ टेल बैग यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। बकल ये तीन सब बकल लगाने के बाद टैंक बैग कुछ ऐसी दिखेगी। एंड लेट मी शो यू गाइस कि कितना हुआ है टोटल। दिस इज माय टोटल ऑडोमीटर, 27,000 हो गया है, 3401 हो गया, एंड इसमें और 1900 किलोमीटर्स ऐड होगा। और ये देखो मेरा रेयर ब्रेक कैलिपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। थैंक्स टू सुजुकी फॉर नॉट अरेंजिंग दिस ब्रेक। सचिन वहाँ पर चेन क्लीन और ल्यूब कर रहा है बाइक का मरम्मत। कुछ भी हो जाए ट्रक में बाइक नहीं जाएगी हमारी, जब तक इंजन चल रहा है चेन ल्यूब चेन क्लीन करेंगे। हाँ 40 की स्पीड में चलाना पड़े, लेकिन बाइक ट्रक में नहीं जाएगी। मनाली से मुंबई हम करेंगे। मस्त लग रही, एकदम प्यारी प्यारी इज द वर्ड। आज एकदम रिलैक्सिंग, 5 बजे सुबह से सिर्फ बहुत दिन के बाद नोमैडिक लाइफ के बाद में ट्रिपी है। क्या ट्रिपी? हिप्पी लाइफ के बाद। हाँ। अभी बस एक ही बार सामान निकालना है। यस वो गाना या ये हो गया अभी। मैंने तुझे देखा। Lots of people. ये सारे कोट्स में से सचिन तुझे क्या लगता है कौन सा कोट तेरे लिए? मेरे लिए अभी फिलहाल जो है ये वाला है क्योंकि रेयर ब्रेक नहीं है। इंजन ब्रेकिंग एंड कर्व आते हैं। हाँ मैं एकदम फटाफट कर्व लो कर देता हूँ। और मेरे लिए feel the curves, don't hug them, not even a single fall guys. And also that one. कौन सा? If you sleep, your family will be. So it's better you ride safely and come back home safely to your loved ones. Yes, lovely quotes. And last year हम लोगों ने हमारा sticker. Also, if you come at Broomstore, do not forget to take our stickers because reflective stickers है, waterproof sticker है और UV protected sticker है अपना. तो अगर आपके helmet plain है तो पीछे से visibility के लिए you can put our sticker. It will be very good. So we are leaving from Manali, 29 degrees Celsius, 10:30 बज चुके हैं, and I'll be on my front brake and engine braking. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
ये देखो कैसे काम करते इन्फ्लुएंसर लोग। सो हम लोग अभी मंडी के कुछ 60-70 किलोमीटर पहले हैं। ये सब इसलिए ब्रेक लिया जा रहा है निकलते ही, क्योंकि कल हम दोनों का पेट खराब था और वॉमिट भी हुआ है अच्छा खासा। जय जी, बताओ अरहर की है या चने दाल? चने की दाल है। बहुत जाड़ी लग रही है, लोग बोल रहे नहीं। ऑलरेडी पेट हम लोग का खराब था। देखे इन्हें मूड खराब होते हुए, देखे इन्हें। मुंबई की ये हालत है। हम लोग का आज डे टू है रिटर्न राइड। वी आर इन चंडीगढ़। चलो चलते, ब्रेकफास्ट हो गया है, अच्छा नींद। फ्राइडे तक है, मतलब ट्यूसडे ही है आज। ठीक है ना, भीगते भीगते जाएंगे मस्त, गर्मी से बेटर। लास्ट में तो भीगे थोड़े। चलो चले नीले गगन में। डे टू ऑफ रिटर्न राइड 9:23 हो गए सुबह सुबह, साढ़े कितना सुबह सुबह 34 डिग्री सेल्सियस हो गए। And we were staying in this the Golden Plaza Hotel and Spa in Zirakpur, चंडीगढ़ के जस्ट एग्जिट में है। हम लोग इंटेंशनली यहाँ पे रुके ताकि यहाँ से फटाफट निकलने के लिए सुविधा हो। तो यहाँ से रोहतक जाएंगे, दिल्ली को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। रोहतक से होते हुए हम लोग रेवाड़ी, कोटपुतली, जयपुर, उदयपुर ऐसा जाएंगे। यस, सेना चालू करता हूँ। हम लोग को एग्जैक्टली 12 से 13 घंटे का चार्ज मिल रहा है सेना में, फुल चार्ज होते तो काफी अच्छा प्रॉपर्टी है। चंडीगढ़ में सही रेट है 97 का, अपन ने कितना 154 का भरा है हानले में। अम्बाला का ये धनुष मस्त लगता है। वेलकम टू हरियाणा। अभी अम्बाला, उसके बाद में हम लोग रोहतक से कट लेंगे। एंड वेदर इज टू हार्श। हाँ चलो, ये अब ये जो 2-3 दिन है हम लोग सिर्फ सुपर फास्ट रहेंगे। क्या टाइम हो रहा है? 152। वी आर समवेयर नियर रेवाड़ी। रेवाड़ी अभी और 20-30 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तूफानी गर्मी और हम लोग भी तूफान जैसे जा रहे हैं। 200 किलोमीटर साथ साथ पेल रहे हैं। और ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर बाकी है आज के लिए। आज का टारगेट है उदयपुर। ब्रांड कोलैबोरेशन का मेल पढ़ रही हूँ मैं। कितने सारे ब्रांड्स को मना किया है हम लोग ने, ओनली बिकॉज ऑफ दिस राइड, ओनली बिकॉज वी वांटेड टू मेक लव विद जुगनियन गब्बर एंड डिडंट वांटेड टू गो ऑन सम अदर मीडिया बाइक्स। तो अभी लेकिन क्या पता वापस लद्दाख जाना हो या कहीं और जाना हो कोई और बाइक के साथ, तो वी डोंट नो अबाउट दैट। बट यस, वी आर सो सॉरी फॉर सो मेनी ब्रांड्स यू सेड नो। अब हम हाँ बोलेंगे, अब हो गई हमारी बड़ी वाली राइड जिसके लिए हम लोग कब से प्रिपेयर कर रहे थे। सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि इसने बहुत अच्छा बाइक चलाया है, इसके लिए इसको लॉट्स ऑफ हार्ट्स, लॉट्स ऑफ हार्ट्स। चाय भी अच्छी। 525 किलोमीटर हो गया है। वी आर अहेड ऑफ जयपुर। अभी जाएंगे भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर। 757 और आज का जो ट्रिप है 561 किलोमीटर हो चुका है। हम लोग जयपुर के जस्ट आगे है। गर्मी बहुत है, बहुत सर पकड़ा हुआ है, हीट स्ट्रोक। चाय के लिए रुके थे, चाय वाय पिया हम लोग ने। और गाइस, काला गियर्स के सभी जैकेट्स, ग्लव, किरण इज़ यूजिंग दिस वाइपर ग्लव, मैं ये ट्रैकर एंड वाइपर दोनों यूज़ कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। ये सॉफ्ट आर्मर्स की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। इन सभी चीज़ों का डिटेल में रिव्यूज़ आएगा, इवन व्रूम गियर्स भी, कि 6000 मोर देन 6000 किलोमीटर्स हम लोग कर रहे हैं ये राइड पे, तो उसके बाद में ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रिव्यू तो बनता है। एंड किरण इज डूइंग फैंटास्टिक। पीछे खींचो थोड़ा। बड़े बाइक से अगर आप चला रहे हो ना, तो आई फील सोलो की जगह पे कोई साथ में होगा तो डेफिनेटली बेटर होता है। हाँ, आप ऑफ रोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना भी ट्रेनिंग ले लो, लेकिन आपको पीछे करने के लिए थोड़ा मेहनत लगता ही है, तो कोई पार्टनर रहेगा तो अच्छा ही होगा। किरण बोल रही है और हम दोनों को हेल्प और प्यार करने के लिए हम दोनों काफ़ी है। हम लोग एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है।
ये बात। अभी थोड़ा रात में भगाएंगे क्योंकि वेदर थोड़ा ठीक हो जाएगा। स्टिल 36 डिग्री यार। आज सेकेंड डे हम लोग का रिटर्न राइड का। सुबह देख रहे थे मुंबई में घमासान बारिश है, सब सबवे जैम पैक्ड हो गए हैं एंड अभी मैड डॉग लाइट्स का काम शुरू होगा। अजमेर 83 किलोमीटर्स। सब लिया बस यादें रह गई है, फोन वॉलेट सब ले लिया। सो वी ऑलवेज रिमाइंड ईच अदर कि सब लिया नहीं लिया। चलो अभी आपको मिलेंगे डायरेक्टली रूम पर क्योंकि हम लोग गोप्रो ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। सो गाइस आज का जो है 936 किलोमीटर्स किए हम लोग ने। मेरा नाम है 4666 किलोमीटर्स टोटल कंप्लीट, 750 किलोमीटर्स रिमेनिंग जो कल होगा एक ही वीडियो में सब आने वाला है। बस कल 950 किलोमीटर किया था उदयपुर में, हम लोग 1:30 बज गए हैं, अभी यहाँ से निकलना है। लास्ट लेग है हमारी राइड का। चलो लेट्स गो। क्या व्यू है देखो सामने, उदयपुर। बाय बाय। डर्टी बाइक्स गोइंग होम बैक। किरनिया टेक्सास से। दिस इज रियली वंडरफुल प्रोडक्ट। क्लीन, सब गंदा होता है ना, आपको फिर व्यू अच्छा नहीं दिखता है। आपको क्या, मेरे को, हम लोग को भी बहुत गंदा दिखता है फिर वो। दिस इज द 15th डे। वाओ, फीलिंग सो गुड। कल का 936 किलोमीटर्स का ट्रिप, इसको जीरो करते हैं। ये किरण कुछ उधी खिलाती है मुझे। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी भगवान, जो भी चीज़ों को मानते हैं आप, उनको हमेशा याद करो और अपनी राइड और अपने अच्छे काम शुरुआत करो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय साई राम जी। ये घर जाने वाली खुशी है। I'm coming home. किरण ने मनाली से चंडीगढ़ तक फुल चिकन स्ट्रिप्स खोल दिया था। हम लोग ने वो दिन, ये वीडियो का स्टार्टिंग में देख लेना, उसके टायर की कंडीशन मस्त था। चिकन स्ट्रिप जब ही निकले थे तभी एकदम नूबड़ी थी, सिर्फ कॉन्टैक्ट पैच, मिडल पैच में ही उसका पूरा ब्लैक हो गया था। और अभी देखो कैसा लेफ्ट राइट चला रही है। बाद में इसकी कलाई दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम 2 सेंटीमीटर का कलाई है और उसमें कैसे इतना हेवी बाइक चला लेती है। वो बंदे ने जो हेलमेट पहना है ना, किरण बोल रही वो एक्सेल नहीं है, वो एक्स्ट्रा लूज साइज का हेलमेट है। वो नया साइजिंग किरण ने इजाद की है, एक्स्ट्रा लूज। थ्रूम स्टोर पे नहीं मिलेगा आपको एक्स्ट्रा लूज साइज। पिछले आधे घंटे से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। वो साइड में भी ट्रैफिक है। वन ऑफ द बेस्ट टी। और ये मैं जो है आपको दिखाना था, ये कलाइया देखो, ये कलाइया देखो, मतलब ऐसा मैं ऐसा कर दूंगा ना, टेढ़ी हो जाएगी। दुख रहा है नहीं। क्लच कर करके आज दुख रहा है, नहीं दुख रहा है, बहुत ट्रैफिक थी। और ये कलाइयों से ये देखो, ये इतनी हेवी वाली बाइक चलाई जाती है। गुड जॉब आज तो। बस बारिश की जरूरत थी, बारिश तो है लेकिन जोरदार क्रेटर्स हो गए गाइस। सो आफ्टर नवसारी, मतलब अगर आप सूरत साइड से या गुजरात साइड से आ रहे हो
तो नवसारी के बाद में टोटल क्रेटर्स है एंड आई अज्यूम ये टोटली एंड तक रहेंगे बिकॉज बारिश होती है तो वो टाइम पे जो टायर के पैचेस हैं वो सब उखड़ जाते हैं। दो तीन बार बहुत जोर जोर से हमने गड्ढे में गए। हाथ का कंडीशन देखो। कंग्रेचुलेशंस। विदाउट अ सिंगल ड्रॉप इस कलाइयों से इन कलाइयों से काम किया है। दोनों बाइक में कुछ बताते हैं ये वीडियो के एंड पे। हाँ। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, राइड के लास्ट डे बस यही बाकी था। लास्ट का कह रहा हूँ, जब हम लोग वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे ना, इतना जिसका हम लोगों ने फुटेज नहीं लिया क्योंकि घर पहुँचना था, उस टाइम पर भी लग रहा था कि घर नहीं ही पहुँच पाएंगे बिकॉज ऑफ से थोड़ी हवा जा रही है। यू कैन सी ये गब्बर का रेयर टायर लेफ्ट हैंड साइड में हल्का बैंड है ये, और ये रहा सेकंड बैंड। बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रेटर्स थे यार। इसके इसके तो भयानक है। स्पेशल केसेस भयानक। और ये देखो जुगनी का रेयर टायर में क्या हो गया, ये भयंकर है। बट फिर भी हवा नहीं जा रही इसमें से। माय गॉड। और ये रहा फ्रंट वाला इतना हैवी नहीं है, पीछे वाला बहुत ज्यादा हैवी था। सो गाइस वी आर एट आवर हैप्पी प्लेस। यहां से शुरू किया था वहीं पर ये वीडियो हम समाप्तम कर रहे हैं। और एक चीज आपको ये बोल रही कि रिम बैंड करना कैसा किया तूने, ये काम ये कलाकारी कैसे किया हमने? ये कलाकारी पूरा बारिश को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि जो पूरा टारमैक वगैरह होता है ना, एंड दिस वाज अगेन वन मोर लर्निंग, अगर रेनी सीजन है तो डू नॉट प्लान नाइट राइड्स। जो सबसे फास्टेस्ट और जो सबसे अच्छा रास्ता है ना, अच्छे रोड पर क्रेटर बनी हुई थी गाइस, उसके अंदर पानी भी था, उसमें पक्षी पानी भी पी सकता था, ऐसा सब सीन था। तो क्योंकि ये ना सचिन आगे था ना, तो मुझे आगाह कर देता था कि किरण क्रेटर है, आराम से, हाँ मतलब खड्डे है, आराम से चलाना। तो मेरी रिम उतनी बैंड नहीं हुई है, लेकिन इसकी रिम बहुत अच्छी वाली बैंड हुई है। एक चीज ये पूछना है कि क्या रिम हम इंश्योरेंस में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, हम लोग को ये नहीं पता है और हम लोग ने अभी तक पूछा नहीं है क्योंकि हम लोग खुद ही रेजुविनेट हो रहे हैं दो दिन से रेस्ट किया। अभी हम लोग सैटरडे आज हम लोग स्टोर पे आके, अच्छा लगता है, बहुत हाई लगता है और हाई होने का मन करता है। सो गाइस एंड थैंक्स टू आवर टीम, हम लोग के एब्सेंस में बहुत अच्छे से मैनेज किया है लोग ने। आ गई कैसे करके दोनों रिम बैंड, पीछे का रिम बैंड, आगे का रिम बैंड विदाउट रेयर ब्रेक। और बेस्ट वर्स्ट पार्ट क्या हुआ था, मीरा रोड के आसपास ना इतना नी लेंथ का पानी था, बाइक खींच नहीं रही थी। लास्ट में किरण का पेट्रोल भी खत्म हो गया था हम लोग को। लास्ट में ऐसा लग रहा था कि आज घर नहीं पहुंचने वाले, लेकिन यार विद बेंट रिम भी हम लोग घर पहुंच गए हैं और सही सलामत है यार, हड्डी सब जगह पर है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ और आज फिर से आपको ये बोल रही हूँ कि मेक श्योर यू रिटर्न होम सेफली टू योर लव्ड वंस गाइस, नो मैटर, सबसे इम्पोर्टेंट है। 6,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स, नो मैटर हाउ मेनी किलोमीटर्स यू राइड, यू हैव टू, यू शुड हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको घर वापस आना है मम्मी पापा के पास। वो हमेशा वो जज्बा होना चाहिए कि घर पे वापस जाना है। जब ये राइड चालू किया था ना, तभी ऐसा लग रहा था कि राइड होने ने वाली है कुछ, तो मतलब हम दोनों भी बहुत स्केप्टिकल थे और बहुत डरे हुए थे ये राइड करने के लिए। बट एंड आई वॉज लाइक इन डीप डिप्रेशन सिंस लाइक लास्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स हैपेंड विद अस, माई डैड ही लेफ्ट अस, सो मैं मतलब मैं मुझे राइड करनी नहीं थी, आई वॉज लाइक कि मैं राइड कर ही नहीं पाऊंगी। बट देन पता नहीं, बाइक पे बैठने के बाद लाइफ अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ बाइक्स, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। सो आई नो इट्स वेरी सिंपल टू से दैट कि गो फॉर ट्रैवलिंग एंड चेंज द लोकेशन एंड गेट रेजुविनेटेड, आई नो, लेकिन आई फील कि अगर आप डिप्रेशन में हो या फिर कुछ लाइफ में इश्यूज है ना, तो जस्ट गो आउट फॉर ट्रैवलिंग, जस्ट चेंज द लोकेशन एंड यू विल फील सो गुड, यू विल फील सो रेजुविनेटेड। आई एम सो हाई राइट नाउ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ओके लाइफ इज अनसर्टन गाइज, देर आर मेनी थिंग्स दैट यू इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, बट एक चीज़ आपके कंट्रोल में है दैट यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू मेक अ हैप्पी लाइफ फॉर यू, और ये आप ज़रूर कर सकते हो। सो इफ़ यू एवर थिंक दैट यू आर मेंटली नॉट फिट एंड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विथ यू, जस्ट गो आउट फॉर ट्रैवलिंग एंड
लाइफ अच्छी हो जाएगी बहुत. इसी के साथ वॉचिंग ईच अदर्स बैक, वी आर बैक होम. कैसे तुम बचा कर ले आते हैं मुझे हर टाइम हर राइड पर से. थैंक यू. Until then, always wear helmet and keep roaming. घर वापस आना है.